श्री राम जब आके धरा पर पाप मिटाते हैं, आकर पाप मिटाते हैं। विजयदशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री राम जब आके धरा पर पाप मिटाते हैं, आकर पाप मिटाते हैं। विजयदशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। एक बार माँ पार्वती ने शिव से किया सवाल, अर्थ बताओ दशहरे का प्रभु मेरे महाकाल। पार्वती की इच्छा सुन के शंकर बता रहे, दशहरे से जुड़ी जो गाथा वही समझा रहे। अश्विन शुक्ल दशमी को ये दिन पावन आता, नक्षत्र के उदय से मुहूर्त विजय है कहलाता। जो शत्रु पे विजय श्री की इच्छा रखते हैं, तो ये मुहूर्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पार्वती को शिव भोले कुछ यूं समझाते हैं, कुछ यूं समझाते हैं। विजयदशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पांचों पांडव जब कौरव से जुए में हारे थे, बेबस होकर बोल सके ना बने बेचारे थे। दुर्योधन ने शर्त लगाई, होगा तुम्हें वनवास, 12 वर्ष तक रहो कहीं भी फर्क पड़े ना खास। 13 वर्ष वहां छुप के रहना, नजर नहीं आना, वरना ये वनवास दोबारा पड़ जाए दोहराना। शर्त बड़ी ही कठिन लगी पर कर ली नी मंजूर। पांचों पांडव पत्नी के संग निकल गए थे दूर, जैसे तैसे अपने दुख का समय बिताते हैं, वो समय बिताते हैं। विजयदशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इसी तिथि को शमी वृक्ष पे शस्त्र उतारे थे, अस्त्र शस्त्र अपने तन पे अर्जुन ने धारे थे। राजा विराट की करी नौकरी, समय बड़ा बलवान, वो गऊओं का रक्षक बन के छुपा रहे पहचान। दुश्मनों पे अर्जुन ने यूं विजय भी पाई थी, इस अवसर पर श्री राम ने करी चढ़ाई थी। विजय श्री को पाया था, वह लंका को जीता, बुरा वक्त जो आया था वो इसी तरह बीता।
शमी का पूजन इसी काल में शुभ बतलाते हैं, पूजन शुभ बतलाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इन्हीं दिनों में वर्षा ऋतु भी लौट ही जाती है, दशहरे की वेला में ऋतु ठंड की आती है। दशहरे का नामकरण यूं लिखता वारा पुराण, जिनको नहीं पता है उनको इससे मिलता ज्ञान। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन शुभ दिन था बुधवार, हस्त नक्षत्र में गंगा जी आई धरा के द्वार। दस पापों को गंगा मैया नष्ट ही करती है, इसीलिए दशहरा कहती सारी धरती है। गंगा दशहरा पर श्रद्धालु गंगा नहाते हैं, श्रद्धालु गंगा नहाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। त्रेता युग में रामचंद्र ने पाप मिटाया था, लंकपति रावण को युद्ध में मार गिराया था। विजय श्री को विजयादशमी हम सब ने दिया नाम, सत्य ज्ञान व देवत्व के प्रतीक मेरे श्री राम। असत्य और अज्ञान का सूचक रावण माना था, पाप पड़े रावण पर भारी सबने जाना था। असत्य पे सत्य की होती सदा ही जीत, युद्ध में जीतने वालों के ही गाए जाते गीत। पाप के सूचक रावण को हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। वत्रासुर और महादानव को इस दिन मारा था, देवराज इंद्र ने उसको पल में संहारा था। पांडवों ने द्रौपदी का वरण किया इस दिन, जब आता त्योहार हमारा झूम के नाचे मन। महाभारत का युद्ध भी इस दिन शुरू बताया है, हम नहीं कहते भैया ये तो लेख में आया है। आश्विन शुक्ल दशमी को जब होता उदय तारा, विजया नामक काल मुहूर्त आता है प्यारा। इसी मुहूर्त पे सब कारज सिद्ध हो जाते हैं, कारज सिद्ध हो जाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
इसीलिए ही विजयादशमी कहते हैं त्योहार। राम की लीला खेली जाती सजते हैं दरबार। विजय मुहूर्त सायंकाल में हो यात्रा उत्तम। भृगु ऋषि ने बतलाया है ये ज्ञान नहीं है कम। श्री राम ने देवी विजया का कीना पूजन। युद्ध में विजयी होकर लौटे दशरथ के नंदन। विजया देवी की पूजा की परंपरा चलती। देवी को शीश नवाते उनको खुशियां हैं मिलती। श्री राम हम नारे लगाते हैं, भक्तों नारे लगाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इस दिन तारे उदय का जो समय बताया है, उसका संबंध विजय श्री से होता आया है। सब कामों व सब अर्थों को पूरा करता है। कोई विपदा आ जाती तो उसको हरता है। दशमी के दिन व्रत करे जो बन जाता है काम। दशो दिशाओं का हो पूजन मिटते कष्ट तमाम। इस दिन का फलदाई होता नदियों में स्नान। अर्घ्य तर्पण करें अवश्य जैसा होता दान। महापातक भी गंगा स्नान से मुक्ति पाते हैं, सभी मुक्ति पाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इस दिन नीलकंठ पक्षी के होते अगर दर्शन, काज सफल हो जाते हैं, जी मन होता प्रसन्न। इस दिन शास्त्र पूजन करना पर्व रूप विख्यात। वेद शास्त्र कभी हमारे कहते न मिथ्या बात। गंगा में खड़ा होकर जो भी मंत्र को पढ़ता, जीवन भर वो खुशियों वाले पथ पे है बढ़ता। हिंदू धर्म में पावन पवित्र कहते ये त्योहार। धर्म की शिक्षा मिलती इससे हो जाता उद्धार। धर्म के पौधे सर्व जगत में नहीं मुरझाते हैं, पौधे नहीं मुरझाते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इस दिन गेंदे के फूलों की सजती बंदनवार। दीप जलाकर श्री राम की करते जय जयकार। रावण कुंभकर्ण व उनका मेघनाद साथी, पुतले रूप में उन्हें जलाकर खुशियां मिल जाती। ये तीनों इस धरती पर प्रतीक बुराई के,
जलते ही बन जाते हैं ये कोयले स्याही के। श्री राम के चरण कमल का होता है पूजन, खाली कभी ना जाता है मेरे रघुवर का वंदन। वो ही होकर रहता है जो रघुवर चाहते हैं, जो रघुवर चाहते हैं। विजयादशमी दशहरे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।